आत्मनिर्भर भारत के नारे को आज साकार होते हुए देखेंगे बड़े स्तर पर, क्योंकि भारत अब चांद पर चंद्रयान उतारने जा रहा है और इसके गवाह बनने के लिए पूरा देश जहां नज़र बनाए हुए है, तो सरकारी स्कूलों में और बाकी स्कूलों में भी छात्रों को ये दिखाया जाएगा लाइव टेलीकास्ट 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। और ऐसे ही हम एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, ये जो तमाम बच्चे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इसका फ़ायदा जो विज्ञान के छात्र हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको होने जा रहा है। और लाइव टेलीकास्ट के लिए भी बाकायदा सरकारी स्कूलों में देखेंगे तो आप इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दूरदर्शन पर और इसरो की साइट पर इसको लाइव दिखाया जाएगा जब चांद पर चंद्रयान भारत का उतरेगा। तो ये तमाम बच्चे आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, विज्ञान के छात्र हैं और विज्ञान के यहाँ अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल मैम से। मैम, चूँकि आज इतिहास रचने जा रहा है भारत, तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या तैयारी की गई है? ये क्षण हमारे लिए विशेष उपलब्धि भरा रहेगा और हमें बड़ी एक गर्व की अनुभूति हो रही है। और इसके लिए हमारे स्कूल में पूरा ये टीवी वगैरह लगाकर पूरी व्यवस्था की गई है बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाने की। 5:30 से 6:30 आज शाम को टेलीकास्ट होगा ये प्रोग्राम, और कल 11:30 से 12:30 ये टेलीकास्ट किया जाएगा। और हम इसमें विज्ञान के छात्रों को विशेष ध्यान में रखते हुए उनकी पूरा उनको बताएंगे, साथ में हम अध्यापकों का भी सहयोग लेंगे ताकि वो समय समय पर और इस चंद्रयान 3 पर हमारे इस देश की जो गर्व की अनुभूति वाला क्षण है उसका बच्चे भरपूर एक उसका ज्ञान भी ले सकें और साथ में एक अपने देश हमारे देश भारत महान की एक अपने अंदर एक भावना को विकसित करें, भावना को विकसित कर सकें, भावना जागृत हों। और इसीलिए ये तमाम तैयारी की गई है। आप साइंस की टीचर हैं, किस तरह से देख रही हैं इस चंद्रयान 3 को जब चांद पर स्थापित होगा? सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा इंडिया इसमें इनिशिएटिव ले रहा है और ये सक्सेसफुल होगा। अभी कल हमने रशिया वाला था, वो अनसक्सेसफुल रहा था। और बाकी जहाँ तक बात हमारे बच्चों की है तो उनके लिए ये बहुत ही एक मोटिवेशनल एफर्ट। भागीरथ, साइंस कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th साइंस। आज आप लाइव देखेंगे जब चंद्रयान चांद पर उतरेगा? यस देखेंगे। क्या लगता है आप, चूँकि स्टूडेंट हैं, कितना बड़ा फ़ायदा छात्रों को? हमें है ना, आगे हमें हमारे भारत के बारे में सीखने के लिए मिलेगा कि अब वो कितनी तरक्की कर रहा है, और हमें है ना नॉलेज मिलेगी कि है ना कैसे कैसे काम होता है इसके बारे में, जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। हमें ये पता चलेगा कि है ना हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे कैसे होता है, जिससे हम आगे चल के ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा भी ले सकें। बस आपको क्या लगता है? सर बोलना पड़ेगा, आप भी लाइव देखेंगे आज? यस सर, हम भी लाइव देखेंगे स्कूल में आके, तो हमें तो यही लगेगा इससे हमें नॉलेज बढ़ेगी। इन फ्यूचर अगर हम इस फील्ड में जाते तो हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और बिल्कुल देखिए, इस फील्ड में अगर ये आगे जाते हैं तो एक बड़ी जानकारी इनको आज टीवी के माध्यम से जब लाइव देखेंगे तो मिलेगी। और चूंकि भारत की कोशिश है कि चांद पर जिस तरह से चंद्रयान उतरेगा तो वहां के खनिज की बात करें, चाहे जल, वहां पानी किस तरह से है, ये तमाम जानकारी भारत के पास में उपलब्ध होंगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।